लास्ट कॉलम الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم استيج پر موجود چیئرمین صاحب منسٹر صاحب اور ہمارے علماء کرام ہمارے دین ملت بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور وہ خوش نصیب لوگ जिनको अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत के लिए इस साल मुंतखब फरमाया। मेरे दोस्तों, खिताब तो अभी मौलाना फरमाएंगे तफ़सीली, मैं कुछ बातें जो अपने दिल की तड़प है, जो अपने दिल में लेके हर वक्त बोलता हूँ, वो आज भी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे अजीज़ो, हज हज एक आशिकाना इबादत है। हज का ताल्लुक आमाल से है, माल से नहीं है। लोग ये समझते हैं कि साहब मेरे पास माल आया तो हज करूंगा। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। हमारा इखलास, हमारी नीयत, हमारी तड़प, हमारी कोशिश अगर सच्ची होगी तो अल्लाह माल के बगैर भी हज का रास्ता निकालेगा। ये हमारा ईमान है। कितने पैसे वाले बड़े बड़े करोड़पतियों को मैंने देखा, वो पूरी दुनिया का सफर करके आ गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हज की तौफीक नहीं दी, अपने घर की जियारत की तौफीक नहीं दी। और कितने ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनके पास खाने के लिए खाना घर में नहीं है, अल्लाह ने उन्हें अपने घर की जियारत करा दी। तो इस बोले गए और माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, तो जिंदगी में हर आदमी को जो गरीब रहे तो, मिडिल क्लास रहे तो, अमीर रहे तो, एक बार जिंदगी में उसको जाना बोल के अपने को पहले से ही रहता। मगर थोड़े लोग को क्या है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में नहीं जा सकते। मगर तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो इंतजाम कर रही है, आपके लिए बेशक बहुत बड़ा इंतजाम है। आज हिंदुस्तान में आप लोग शांत है। आज तेलंगाना हुकूमत कैसे अच्छा पाए बाद अपने तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद अपन शोक भागे मिलजुल के आगे बढ़ रहे। आज रमजान के बाद अपने को अल्लाह को राजी करना है, अपने को बंदों को राजी करना नहीं है। अल्लाह राजी तो सब राजी है, ऐसे मतलब सब चीज अपनी आसान हो जाती है। और अल्लाह का करम यह है कि हम भी एक जमाने से जो है ना हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से फ्लाइट नहीं जाती थी, जब पैगंबर एयरपोर्ट साहबी तो नहीं जाती थी फ्लाइट, बेंगलुरु जाके बम्बई जाके अपने हाजी साहबान को जाना पड़ता था। मगर अल्लाह का करम यह रहा कि हमारी कोशिश, असद भाई की कोशिश, ये सब हम लोग सब मिलके एक टीम करके जो है ना टीम पर हम लोग यहाँ से फ्लाइट चालू कराए चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में। और पहली फ्लाइट जो है ना बेगमपेट से शुरू कराए हम लोग। और अल्लाह का करम यह है कि 2001 की बात है, उसके बाद में हम लोग पहला मिरालम टैंक में हुआ, उसके बाद में हज हाउस पे इनॉग्रेशन करके यहाँ से फ्लाइट चालू हुई। और इनॉग्रेशन भी समझो अल्लाह का करम है, अपने हाथ से हुआ। और अल्लाह का कितना भी मैं शुक्र अदा करा कम है, क्योंकि हैसियत से ज्यादा अल्लाह ताला हमारे से काम लिया है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र यह है कि किसकी दुआ है क्या है नेमत, हम अल्लाह की रजा के लिए काम करना है, किसी को दिखावा करना है या किसी को हम करे बोल के बताना नहीं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है, हम एक धूल के बराबर है अल्लाह के सामने। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए क्योंकि मौलाना भी बैठे हुए, पर अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, आप लोग इतनी दूर जा रहे हैं तो जैसा मौलाना बताया अभी मुफ्ती खलील अहमद साहब, उसी तरीके से आप लोग गिड़ा के दुआ करिए। आप लोग दुआ जो है ना नमाज की मलई है, ये नहीं कि अपने भाई लोग बहन लोग जो है ना खाली नमाज पढ़ लिए सलाम फेर लिए खाली एक सेकंड लोग तेरे हाथ उठाए चले गए, नहीं, एक 10 मिनट दुआ करना। अपन दुआ कौन सा टाइम घड़ी का क्या रहता है वालों, अल्लाह ताला उसको कबूल करेंगे। तो आप लोगों के जो भी परेशानियां हैं, घर वालों के, खानदान वालों के, अपने बच्चों के,
बच्चियां होंगे जिसके घरों में बच्चियां बैठे हुए, आप जो जो दुआ कर रहे हैं करिए, कबूल करते हैं अल्लाह ताला। और अल्लाह के दरबार में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का इतना एहसान है कि अपन आज पूरे दुनिया में अपन फैले हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि आज अल्लाह ताला हर चीज से नियामतें दे रहा है अपने को। अपन शुक्र अदा नहीं करते, शुक्र अदा करना है अल्लाह का, हर हाल में शुक्र अदा करना है, नमाज सलाम फेर के उठ जाना नहीं है।